पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रांट को लेकर आज चंडीगढ़ सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच बैठक हुई। ये बैठक चंडीगढ़ के प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हरियाणा ने जहां पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज जोड़ने के लिए सकारात्मक कदम बढ़ाए, तो वहीं पंजाब ने इस मुद्दे पर फैसले के लिए कुछ और वक्त मांगा है। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें हरियाणा के कॉलेज का जुड़ाव भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में 5 जून को दोबारा सभी पक्षकारों की बैठक होगी। बातचीत हमने किए हैं आपस में, पिछली बैकग्राउंड भी सारी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का एक दौर और होगा। अभी उसका समय 5 तारीख को रखा है, 5 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे। आपसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई है और कोई ना कोई निष्कर्ष ये 5 तारीख को दोबारा एक बैठेंगे उसमें जरूर निकलेगा। मैंने बताया सभी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई ना कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई कोई अच्छा निर्णय निकलेगा। दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में स्वार्थपूर्ण बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख को हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर पंजाब उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मैंने बताया ये सारी चीजें 5 तारीख को दोबारा बैठेंगे तब पता लगेगा। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है, सारे देश में बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक अगर हम देखा जाए तो सिपरेट ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ को कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। विषय दावा कोई ऐसा नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ का अपना एक निर्णय होता है, वो क्या निर्णय करते हैं वो 5 तारीख को जो है वो पता लगेगा। एक मिनट ये बात ठीक है कि जो एचपीएससी का एक हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो एग्ज़ाम था उसमें से 38 क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं और कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज की है। कोर्ट में सुनवाई है क्योंकि एचपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अरे भाई सुनो, ऑटोनोमस बॉडी है, निर्णय तो एचपीएससी करेगी क्या करना है, लेकिन अगर हमसे सुझाव मांगेंगे तो हम ये सुझाव उनको देंगे कि अगर कंट्रोवर्शियल 38 प्रश्न ऐसे बने हैं तो बेशक 38 प्रश्न को छोड़ करके बाकी 62 का जो रिजल्ट है वो अगर देना चाहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई पता ही नहीं है किसी को प्रश्न क्या है उत्तर क्या है, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी ऐसी बनती है तो 32 को छोड़ के भी कर सकते हैं, पूरे 100 को भी करना उसको कर सकते हैं, बाकी तो निर्णय कोर्ट ने देना है, जैसा कोर्ट निर्णय देगा हमको दोनों मिल जाएगा। दरअसल वर्ष 1990 के बाद हरियाणा सरकार के द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं दी गई। इससे पहले हरियाणा सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को 40% ग्रांट दे रही थी। बीते 3 दशक से अधिक समय से पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट जारी की जाती रही है। हालांकि इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक कारण रहे, मगर हरियाणा से ग्रांट बंद होने के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। बहरहाल पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रांट और हरियाणा के कॉलेजों को मान्यता मिलने के संबंध में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अब 5 जून को दोबारा मीटिंग होगी।
थी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए पंजाब हरियाणा के बीच कोई समझौता भी किया जा सकता है और संभावनाएं ये भी हैं कि हरियाणा सरकार फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी को 40% ग्रांट देना शुरू कर सकती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब की सिटी टीवी।